गाइस, सबसे पहले आप लोगों को शोभा पहाड़ी ब्लॉगर की तरफ से प्यारी सी नमस्ते। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेले माले बहुत खाली है, अब हो गया है सैर का काम स्टार्ट। मतलब इस महीने बहुत ज़्यादा काम होता है, धान का काम एक साथ और घास का काम एक साथ और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा घर के काम। तो अभी मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ दिन के 12:30 बजे से, और अभी मैं आ गई हूँ पशुओं को घास दे के। सुबह मैं गई थी घास को, फिर आते टाइम मैंने घास भी लाया थोड़ा सा हरा गाय के लिए, और उसके बाद मैं घर आ गई। घर आके मैंने धान को सूखने के लिए डाला, क्योंकि अगर सुबह डालूँ तो पीछे से बंदर आके पूरा मतलब पूरी तबाही कर जाते हैं। आप लोगों को दिखाऊंगी मैं मेरे सोयाबीन का खेत, इतना बड़ा मेहनत करके मतलब पूरा हाथ के साथ खुदाई करके बीजा था, पर पूरे सोयाबीन चट कर गए हैं। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अभी यहाँ घर के पास ही अपने किचन गार्डन में। यहाँ पे मेरी मिर्च पक गई है बहुत ज़्यादा, अभी मैंने एक डब्बा भर लिया है, अभी ख़त्म हो गई थी, बाज़ार से मंगवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मतलब पिछले साल की ख़त्म हुई नहीं, तो अभी इसको यूज़ कर रही हूँ मैं। तो अभी फटाफट से लाल लाल मिर्चें निकाल देती हूँ सूखने के लिए, और यहाँ पे थोड़ा सा कचालू निकाले मैंने, और यहाँ पर भी मटर लगाऊँगी, पर पता नहीं बंदर कब जैसे तबाही कर जाए, कोई भरोसा नहीं उनका। ये देखिए अभी फटाफट से निकालती हूँ, फिर बताती हूँ आप लोगों को कितने निकाली। फटाफट से निकालते मिर्चे, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा हो रखी है इस टाइम। मन तो करता नहीं है काम करने का, पर क्या करें यार, करना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए सोयाबीन का पूरा खेत मेरा पूरे खा गए हैं टोटली। और यहाँ पे ककड़ी हुई थी, ककड़ी का भी उन्होंने पता नहीं रखा है। अभी फटाफट से निकालते हैं मिर्चे, ये देखिए बहुत बड़ी बड़ी मिर्च हुई है मेरी। ये कौन कौन खाता है ज़्यादा मिर्च, खाना किसको अच्छी लगती है कमेंट में ज़रूर बताना। चटपटी, ये बहुत बड़ी बड़ी मिर्च है, ये देखिए गाइस। यहाँ पे मैंने सरसों बीजे थे और साथ में धनिया, बट यहाँ पे भी किसी चीज़ की नज़र लगी, पता नहीं किस चीज़ ने यहाँ पे खोद दिया है, अब जंगली जानवर है या फिर नेवला है, वो भी खोदता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। बहुत अच्छे से हो रहे हैं मेरे सरसों, पर पता नहीं धूप में सूख रहे हैं, पर इसको पानी देना पड़ेगा, तो फूल भी नहीं लगती है। हर एक चीज का वो हो गया है यहाँ पे जुआड़। हेलो गाइस, राधे राधे, कैसे आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी हम आ गए खेत में, और अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ दिन के 12 बजे से, क्योंकि सुबह आते आते मैं घास काटने लग गई थी। ये देखिए सारा मैंने काट लिया है, अभी मेरा हो गया है फिनिश। तो यहाँ पे दीदी भी आए हैं, दीदी के साथ आए हूँ, और अभी काटते हैं, दीदी का थोड़ा सा बच गया है, फिर तो साथ में चलेंगे हम घर, और खाना वगैरह हम ले आए हैं इधर ही, तो इधर ही खाएंगे खाना। और यहाँ से बैक कैमरे से आप लोगों को यहाँ का ब्यूटीफुल सा नज़ारा दिखाते हैं। और हिमाचल में जोरों शोरों से जो है घास की कटाई शुरू हो गई है, और बहुत प्यारा है इधर से व्यू, आप लोगों को दिखाते हैं पूरा जोगिंदर नगर का नज़ारा दिख रहा है इधर। ये देखिए यहाँ से काटा दीदी ने, और यहाँ पे लग गए दीदी अभी काटने, और यहाँ नीचे सड़क दिख रही है और घलरान गांव, और यहाँ से गाड़ी का आना। और यहाँ पे देखिए रोप फीड मैक्सिमम खाली हो चुकी है, कुछ एक धान रहे हैं बाकी इस साइड बिल्कुल खाली हो चुकी है। जोगिंदर नगर का नज़ारा, और सामने धार जिमजिमा, बहुत प्यारा व्यू। तो गाइस अभी हमने हाथ वगैरह साफ कर लिए, अभी करते हैं लंच, क्योंकि भूख भी बहुत ज़ोर की लग चुकी है, अभी बच चुके एक। और हाँ अभी हमने कर दिए पूरा फिनिश, अभी हम खाना वगैरह खा के रेस्ट वगैरह करके फिर चल पड़ेंगे घर की तरफ। तो चलिए अभी फटाफट से करते हैं खाने का एंजॉय। और क्या क्या लाया हमने, हमने लाए मैंने लाया अरबी के पत्तों की पत्तों का साग, और दीदी ने आलू मटर। तो फटाफट से
करेंगे लंच। और यहाँ पे मैंने एप्पल, दो एप्पल लाए, ये देखिए ट्विंग ट्विंग। चलिए फटाफट से करते हैं लंच। ये मेरा साग, अब करेंगे हम फटाफट से थोड़ी थोड़ी शेयर और फिर करेंगे लंच। दीदी का आलू मटर बहुत लजीज लग रही है। अरे फाटा गेड़ा चल रहा, हाथ था कहीं निकालने चम्मच को ध्यान ना। चलो मैंने लाई है चार चपाती है। ये देखिए यहाँ पे माहू नाग देवता, ये देखिए गाइस। अभी पहुंच गई हूँ मैं घर और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घास इधर रख दिया सूखने वाला, और जो हरा हरा था वो गाय के लिए वो अंदर रख दिया है। और अभी मैं यहाँ पे गोबर को बारीक बारीक करके सुखा रही हूँ गेहूँ के लिए, क्योंकि बोरी में भरना था तो यहाँ पे मैंने दो बोरियाँ भर दी थी और चार पाँच पहले भर के रख दी है वहाँ पर। और अभी मैंने सोचा टाइम है तो क्यों ना थोड़ा सा यहाँ पर हरा घास से वो निकाल देती हूँ। ब्यूल और सराव जो था, सराव जो होता है आप क्या बोलते हैं पता नहीं, हमारे सराव बोलते हैं, तो वो निकालते हैं फटाफट से। चलिए यहाँ पे मेरी सासू जी ने बीजे है प्याज का क्यारा दिया है इधर, और यहाँ पे देखिए कुंदी और हरी मिर्च का पौधा इतना बड़ा, ये देखिए ये मेरी सासू जी ने लगाए है। यहाँ पे साग, और यहाँ पे दे रखे हैं प्याज के क्यारा, तो ये बहुत बड़ा बड़ा हो गया है। और यहाँ पे मीठे करेले, ये देखिए यहाँ पे अदरक की फसल, मेरी नहीं है पर दीदी रोशनी दीदी की रखी है, आधा खेत निकाल दिए है, बहुत अच्छी सी हुई अदरक की। ये देखिए करें फटाफट से, ये देखिए यहाँ पे सरसों बहुत अच्छी हुई है दीदी की। यहाँ पे देखिए अभी हम यहाँ पे रोशनी दीदी का अदरक निकाल रहे हैं, और यहाँ पे देखिए एक एक ही इतना बड़ा हुआ है और बहुत अच्छे से हुआ है, और मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगी है, और हर एक काम में मेहनत तो बहुत लगती है, तो उसका फल अगर मिल जाए तो बहुत खुशी होती है। तो वैसे ठीक है करते हैं वीडियो गेंट, बहुत हो गया आज का कार्यक्रम, करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं अब आगे नई वीडियो के साथ एक नए ब्लॉग के साथ। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। हेलो, ये देखिए हमारे श्री महानाग देव जी। जब मैं गई थी उस टाइम 2:30 बजे का टाइम था, उस टाइम भी इधर ही था, और अभी देखिए अभी बज चुके हैं 6 और अभी भी यहीं पर है, पहरा दे रहा है ये, पहरेदार है ये। ये देखिए लाइट में खाई थी जो मालूम कलर चमक। हेलो 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 क्या कर रहे हो? आया 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 रे हंदा आया ना, क्या हंदा फिर बाय ठीक है बाय बाय राधे 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 राधे। ये देखिए गाइस या या ये देखिए मोटरसाइकिल देख कैसे।